फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे आपको। देखना है और फॉलो करना है वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में वाल पेपर, आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से अपने फोन में कोई भी वाल पेपर ऐड कर लेंगे। जैसे कि आपको अपने फोन में वाल पेपर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का वाल पेपर आपके सामने काफ़ी वाल पेपर ओपन होंगे। आप यहाँ से अपने फोन में वाल पेपर चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके सामने और भी वाल पेपर ओपन होंगे। यहाँ पर आपको जो भी वाल पेपर लगाना है अपने होम स्क्रीन पर, आप इसे सेट करेंगे और अपने होम स्क्रीन पर लगा लेंगे। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर काफ़ी वाल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से वाल पेपर जो भी रखना है आप हिसाब से सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको क्लिक करना, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट बोर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार अपने फोन में वाल पेपर चेंज करेंगे। तो आई फिर आपको चेक कराए थे, इस प्रकार अपने फोन में वाल पेपर चेंज करेंगे। जो अपने फोन का वाल पेपर चेंज किया वो हमारा चेंज हो चुका। तो इस प्रकार अपने फोन में वाल पेपर चेंज करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।